ये देखे माशाल्लाह जी, यहाँ से भी दूध की एक बोतल ली है, ये चेक करे यार, सेवन अप कुल्फियां दे भाई जान, चार चार कुल्फियां दे। ये नया स्टॉल लगा है जो जहाँ पे शेल का पेट्रोल पंप था वहाँ पे इन्होंने लगाया भाई। यहाँ से दूध की बोतलें, बाबा जी की मशहूर कुल्फी यहाँ मौजूद है, और ये चेक करे, देखें चेक करें कितने पैसे हुए भाई जान, 550 रुपये में देखे कितनी चीज़ें आ गई यार। देखें तो ये देखें माशाल्लाह, रो का भी सेटअप पूरा लगा हुआ है यहाँ पे, और क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह कुर्से मुबारक, बड़ा बेहतरीन, रश बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा रश है, रश रोज चल रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, कहते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई आज है दूसरा दिन मेरा लाहौर में, और यार बहुत बिजी डेज जा रहे हैं, बहुत ज्यादा काम थे यहाँ पे, ड्यू थे पाकिस्तान में, वो सारे काम शाम साथ साथ चलते जा रहे हैं। अभी तो आप देखें कि सियालकोट का भी चक्कर नहीं लग पा रहा अभी तक, तो अबू जान की कब्र पे भी नहीं गया। तो इंशाल्लाह ताला लाहौर में बस काम अभी फिनिश होने वाले हैं, जल्दी मुलाकात होगी सियालकोट वालों से भी, और अबू जान से भी जाके कब्र शरीफ इंशाल्लाह ताला हाजिरी देनी है। तो भाई आज का दिन करते हैं स्टार्ट, तो रहे मेरे साथ, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का, बस बताना नहीं मैंने आपको आज का दिन मेरे साथ रहे लाहौर में क्या क्या एक्टिविटीज होती है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलें चलते हैं लाहौर की, कराते हैं आपको सैर, तो आए निकलते हैं। यार पहले आपका पूरा रूम तो दिखा दो भाई, ये है मेरा रूम, ये देखें, ये आपके भाई के लगेज वगैरह पड़े हुए हैं, ये देखें, ठीक है, कपड़े शपड़े लटका लेते हैं, ये भाई ये देखें मामला सारे, ये है मेरा बेड, और बस ये है मेरी छोटी सी दुनिया। अम्मी जान मेरे नीचे वाले रूम में है, छोटा भाई, माशाल्लाह सारे भाई इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ से निकलते हैं अभी लाहौर मून मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, मून मार्केट से गाड़ी शाड़ी पिक करते हुए बाहर हुआ हुआ, आपने देखा है हजूम बहुत ज्यादा, बस यहाँ से पैदल वॉक करते हुए मून मार्केट, मून मार्केट से गाड़ी पिक करके फिर कहाँ निकलते हैं अपने हिसाब से, आज चलते हैं। देखे जी अभी जा रहा हूँ मून मार्केट, और मैंने कहा यार मून मार्केट जा रहा हूँ, रस्ते में रो ना मिले तो फिर मजा तो नहीं आता ना, तो रो ले लिया जी अभी आमिर के लिए भी और अपने लिए भी। भाई अभी मेरा न्यू गेटअप आने वाला है आपके सामने, बस आप तैयार हो जाएं कि आपका भाई क्या जबरदस्त न्यू गेटअप लेके आने वाला है। अभी जा रहा हूँ यहाँ से पैदल वॉक करते हुए अपने घर से मून मार्केट, तो बाकी रख रहा है मून मार्केट पे, अब आप देखें कि क्या जबरदस्त सिस्टम बनने वाला है। तो ये है जी देखें अल्लामा इकबाल टाउन 150, ये है जी अल्लामा इकबाल, क्या हाल है जी, ठीक हो, क्या कह रहे हैं सिस्टम। काली कोठी से गुजरते हुए हम जा रहे थे मून मार्केट पैदल वॉक करते हुए आपका भाई रो के साथ, जबरदस्त। तो भाई इससे पहले आमिर को कोई मेरा फोन छीन के भाग जाए तो बेहतर है कि मुझे उसको ऑफ करके तो पॉकेट में रख लेना चाहिए, ऐसे ही है। तो भाई इसको हम पॉकेट में रखते हैं, ये देखिए, देखें जी अपने भाई का न्यू गेटअप अभी, तो भाई क्या गेटअप निकलता है अभी आफ्टर देखते हैं। अभी यहाँ पे होने लगा बड़ा बेहतरीन किस्म का मसाज, और ये शहजादा भी करने लगा मेरा मसाज। तो फिर भाई ने मेरा गेटअप फुल चेंज कर देना, फिर भाई आपके पास जब भी आता हूँ ये मैं लेके आता हूँ यूके का चेहरा, मुझे ये बना देते हैं किसी और कंट्री का चेहरा। तो बस जनाब मैं इतना सुकून से सोया हुआ था अभी, आपने इतना मजे से माशाल्लाह ये सारा सिस्टम बनाया। मैं तुकीर भाई के पास आया था, मैंने कहा यार देखो क्या करना चाहिए, मुझे शेव करनी चाहिए या खत रखना चाहिए, खत शूट करेगा तो खत वाला सिस्टम ही रखें अपने पास। तो अभी इनके पास हूँ जब तक पाकिस्तान में हूँ भाई, इनके हवाले अभी देखते हैं क्या करते हैं मेरे चेहरे के साथ। तो फिलहाल आप मसाज स्टार्ट करते हैं भाई। तो मेरे जनाब ये आ गए आपके भाई का नया गेटअप चेक करें यार, दाढ़ी चाढ़ी आज फिर तकरीबन 3 सालों के बाद मैंने दोबारा खत बनाना शुरू कर दिया आज। आप देखें कई लोग मुझे कहते थे कि यार दाढ़ी स्टार्ट कर लें, दाढ़ी रख लें, दोबारा रख लें, क्योंकि जब दिल की मर्जी होगी रख लें। अभी दिल की मर्जी हुई है तो मैंने सोचा यार तुकीर भाई के पास आके तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से तो खत बनवाते हैं। तुकीर ने बड़ा जबरदस्त खत बना दिया माशाल्लाह, आप देख रहे हैं, और ये आमिर इसको ज़रा क्लोज करना पड़ेगा, वो आमिर इतना सदाकत ने बड़ा फिट किस्म का जनाब मसाज कर दिया, और मुझे इतनी ज़बरदस्त किस्म की नींद आ रही है आपको क्या बताऊँ। यार आप लोग जब भी पाकिस्तान आए और लाहौर के रहने वाले अगर आप हैं तो लाहौर में मून मार्केट अलामा इकबाल टाउन सतलुज ब्लॉक है 181 सतलुज ब्लॉक है भाई, यहाँ पर ज़रूर आइएगा। इस लड़के को आप जेब में रखें, ज़बरदस्त किस्म का मसाज करता है, खत भी ये बनाता है। अगर तुकीर भाई ऑफकोर्स प्रोफेशनल है यहाँ के और औसम, अभी मैंने आना आता नेक्स्ट भी कहूँगा, नेक्स्ट भी कहूँगा, थोड़ा कुछ बेहतर करेंगे तो रहे साथ साथ, अगला नेक्स्ट क्या प्लान होता है तो हमारे साथ साथ आप रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है जी। की है शॉपिंग कुछ कुछ, ये देखें बैग्स वगैरह पड़े हैं आमिर के पास। तो जब यहाँ से गुजरा था तो नज़र पड़ गई पठूरों के ऊपर, तो मून मार्केट के पठूरे फिर तो लाजिम हो गए ना हमारे ऊपर,
तो चेक कर रहे हैं आप, देखिए माशाल्लाह। तो पहले तो मुझे आमिर कह रहा था कि भटूरे भी रहने देते हैं, गला पहले बड़ा खराब है, यार चेक कर लेते हैं टेस्ट कैसा है। अच्छा मुझे आप जल्दी जल्दी बताएं कि ठीक लग रही कि नहीं लग रही, अगर आपको ठीक लग रही है तो फिर तो ठीक है, नहीं ठीक लग रही तो खत्म करवा देंगे इसको, करवा के देंगे, खुद ही खत्म कर देंगे। तो भाई ये देखें, ये भटूरे वाला सिस्टम लगा हुआ जी शिजान बेकरी के बिल्कुल बाहर, देख रहे हैं आप फ्रेश भटूरे लगाएंगे। और सामने है जी हमारी स्पीडेक्स कॉरियर, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट भाई भाई के बिल्कुल साथ सोनू गोल गप्पे वाले के बिल्कुल साथ भटूरे वाले भाई साहब बैठे हैं। तो चेक करते हैं भटूरों का टेस्ट है कैसा, डिपेंड करते हैं भटूरों का टेस्ट ठीक हुआ तो फिर दोबारा आ जाएंगे फिर इनके पास। अगर फिलहाल मैंने इनसे कहा कि मुझे सिर्फ दो भटूरे दें, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो दो भटूरों के साथ भी टेस्ट चेक करेंगे, उसके बाद अगर समझ में आया तो फिर आगे कैरी ऑन करते रहेंगे। तो बस वेट करते हैं भटूरों का भी। आमिर फुल बिजी, आमिर कैसा जा रहा है यार पाकिस्तान का ट्रिप? बेहतरीन जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। आमिर तो नजर ही नहीं आ रहा, आमिर माशाल्लाह कर रहा है, दो बजे घर आया दोस्तों के साथ, इसकी गेट टुगेदर चल रही है आजकल बहुत ज्यादा। तो भाई साहब बस आज भी आ जाओ भटूरे लेके आ जाओ भाई। तो नहीं जनाब भटूरे आ चुके हैं हमारे पास, और अभी चेक करते हैं इसका टेस्ट, भाई टेस्ट है कैसा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाया, मैंने सिर्फ दो मंगवाए यार, टेस्ट का पता लगे ना फिर बता दोबारा आके खा लेते हैं इनसे। भाजी हमें बड़े मज़ेदार हैं यार, बहुत मज़े के। यानी कि पहली बाइट में ही दिल जीत लिया इसने भाई, बड़े मज़े के भटूरे हैं, कभी इनको खाते हैं ज़रा मज़े ले लेके, तो आप साथ साथ हैं ज़रा थोड़ा टाइम दें, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो लें जनाब उर्स हो गया जी ख़त्म, तीन दिन लगातार यहाँ उर्स रहा है और बहुत रौनक थी। ये देखें माशाल्लाह मस्जिद है सामने, तो आदम हुसैन साहब का उर्स था तीन दिन का, और माशाल्लाह बहुत दुनिया, बहुत बहुत दूर से दुनिया आई हुई थी, और आज ये फिनिश हो गया। तकरीबन रात का 11 बजे का टाइम है अभी यहाँ पे, ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं सब क्लियरेंस हो रही है, सफाई कर रहे हैं सारी लोगों का, लंगर बहुत लगा हुआ था यार यहाँ पे, बहुत दुनिया आई हुई थी बहुत दूर दूर से, आप ये देख रहे हैं। अभी यहाँ से ज़रा दूर शूट भी थे यार, तो आप ये चेक करें माशाल्लाह वो सामने स्टेज था, अभी ये सारी सफाई वगैरह हो जाएगी सारा, इसको क्लियर करेंगे। तो आज का दिन आपने देखा बहुत मसरूफ़ रहा यार, बहुत मज़ा आया, मून मार्केट आपने देखा, कटिंग शटिंग के मामला मेरे, और मसरूफ़ दिन लाहौर में दिन का पता ही नहीं चलता, ऐसे दिन चढ़ता ऐसे रात होती है, तो वक्त ऐसे गुजर जाता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि मैं दाढ़ी को रखूँ या इसको कटवा दूँ, तो जो मुझे जैसे कोई सजेशन देगा तो हम इसको करेंगे। तो यहाँ से रहते हैं आपसे ब्रेक, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ, यकीन आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मेरा कल का बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान बना है, आप साथ साथ ही आपको लेके चलेंगे। दुआ में याद रखें अपने भाई को, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।